पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह उसके प्रेमी सचिन के घर पहुंचे, जहां सीमा और सचिन ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। घर के अंदर बंद कमरे में वकील और सीमा हैदर के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। इससे पहले वकील को काफी देर तक उनके घर के बाहर इंतजार करना पड़ा। नमस्कार, डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट बोल रहा हूं, सीनियर एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट में। एपी सिंह ने जब पुलिस को फोन किया तब जाकर सचिन के घर का दरवाजा उनके लिए खोला गया। सीमा से जुड़े मामले में सीनियर वकील एपी सिंह ने ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है, जिसमें सीमा को भारत की नागरिकता देने की मांग की गई। सच बोलना, सच के साथ ईश्वर परमात्मा है, सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं होगा, और उसी आधार पर हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई है और उसी आधार पर आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। और देश की बहू है और यहाँ लोगों ने उसे प्यार दिया है और उसके प्यार को पूरा समाज उसके साथ। वहीं सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर के पास से मिले सभी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास भेजा है। कहा जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए हो रही है। हालांकि सीमा का कहना है कि वो भारत की जेल में सारी जिंदगी बिता देगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।